मकर संक्रांति के पर्व की धूम देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। ये झलकियां जो आप देख रहे हैं ये आ रही हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी से, जहां कड़ाके की ठंड होने के बावजूद लोग बड़ी संख्या में स्नान करने के लिए सरयू नदी में उतरे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान करने के लिए घाट पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है। इस मौके पर न केवल अयोध्यावासी बल्कि दूर दूर से आए लोग भी डुबकी लगाकर भगवान श्री राम से मनोकामना मांग रहे हैं। इस साल मकर संक्रांति का स्नान और भी खास इसलिए हो जाता है क्योंकि अब से कुछ ही दिन में रामलला मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। ऐसे में भक्त काफी उत्साहित हैं। उनका क्या कहना है सुनिए। धनुराशि से श्री सूर्य आज मकर राशि में जाता है। आज मकर स्नान का आज से शुभारंभ होता है मेला। आज का ये महीना है, इतना पावनी महीना है, जब श्री सूर्य नारायण मकर राशि में जाते हैं, चंद्रमा भी मकर राशि में जाते हैं, दोनों एक योग है और त्रिपुष्कर योग भी बनता है। आज नहाने का विशेष महत्व है। माघी महीना का जो स्नान है आज से शुरुआत होता है और आज से उत्तरायण, जब हमारे धर्मशास्त्र में पुराण में उल्लेखित चीज है, बहुत चीज वेद पुराण में उल्लेखित किया है, उत्तरायण में किया कार्य सफल होता है। जब कोई आदमी का भी शरीर उत्तरायण में छूटता है तो उसका मुक्ति होता है, ये भी कहा गया है। ये कैलाश मानव सरोवर से आई हुई पावनी गंगे सरयू नदी का विशेष महत्व है। ये राम लला का क्षेत्र भी है, यहाँ पर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहा है। ये भी एक उत्सव है इस शहर के लिए और इस देश के लिए, समस्त भारत खंडे के लिए, भारतवर्ष के लिए ये बहुत खुशी का क्षण है। इसीलिए हम लोग नेपाल से 200-400 आदमी आ रहे हैं स्नान करने के लिए। बड़ा अच्छा लग रहा है जो योगी जी के द्वारा यहाँ पे विकास हो रहा है। उम्मीद है आगे चल के जो है और भी श्रद्धालु बढ़ेंगे। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर स्नान और दान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने के समान शुभ फल की प्राप्ति होती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।